हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पे बस पहुंच ही चुके होंगे। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपने सेंटर पे पहुंच चुके होंगे। जिस सिटी में आपका दिया गया एग्ज़ाम्स, उसमें पहुंच चुके होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स का ये जो मतलब केंद्र बनाया जा रहा है BPSC के द्वारा, तो इसमें पता नहीं कुछ स्टूडेंट का काफ़ी दूर है, कुछ का बहुत ही नज़दीक मिल जाता है, तो परेशानी तो होती है। लेकिन क्या करें, हम लोग का स्टूडेंट का लाइफ ही ऐसा है कि इसमें परेशानी ना आए तो फिर कह नहीं सकते कि स्टूडेंट है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये छोटा सा कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि देखिए OA मार्कशीट की बात है, और OA मार्कशीट पे सबसे पहली जो गलती आपको नहीं करना है कि पहले आप अच्छे तरीके से OA मार्कशीट को पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर उसमें डालना है, रोल नंबर डाल करके जो भी कॉलम, यानी जो आपका कॉलम होता है, उसके सामने ही उसको गोला करिए। ये हमेशा गलती लोग करते आ रहे हैं और बार बार कमेंट करते हैं कि मेरा बुकलेट में दूसरी जगह गोला हो गया है, जिसमें करना था उसमें नहीं कर पाए हैं। मतलब तमाम तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बस मैं आपसे यह कहूँगा कि 5 मिनट एक्स्ट्रा आप ले लीजिए, लेकिन उसको अच्छे तरीके से भर लीजिए। आप स्टार्टिंग के ही पॉइंट्स गलत कर देंगे तो बीच में आप कितना भी अच्छा अटेम्प्ट कर लीजिए, 150 में 140 अटेम्प्ट कर लीजिए, क्या रिजल्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही 5 मिनट दे देंगे अच्छे तरीके से, तो फिर तो मतलब ठीक ही है ना, कि अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला पॉइंट्स कि आपको ये गलती नहीं करना है, OA मार्कशीट पे सबसे पहले अच्छे तरीके से फिलअप करना है, जो भी चीज़ें यहाँ पे भरना है भरिए। नहीं समझ में आता है तो टीचर से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक जरूरी चीज़ ये होता है कि फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछता कुछ और है और वहाँ पे हम लोग करके कुछ और आ जाते हैं। अभी फिलहाल में एग्जाम्स हुआ, उसमें भी हमें कई सी चीज़ें को देखने को मिला। कन्फ्यूजन्स नहीं करना है, कन्फ्यूजन्स होता है थोड़ा सा टाइम लेकर के सोच लीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चंस 150 है, टाइम 2 घंटा है, तो करना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन जो भी करेंगे उसको ध्यान से एक बार पढ़ करके करिएगा। क्वेश्चंस को भी ठीक से पढ़ना है, साथ ही साथ ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शंस का खेल ई वाला भी है। तो ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग के ये पहले ऑप्शंस पढ़ करके आप टिक कर दिए और जब आगे बढ़े तो पता चला कि अरे यार, ऑप्शन ए और सी दोनों होना चाहिए था, तो फिर वहाँ पे तो ऑप्शन ई होना चाहिए। तो वैसे चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, एक बार ऑप्शंस को भी पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि हाँ, चारों ऑप्शंस क्या कह रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और बाकी आप तो एक्सपीरियंस हैं ही, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में यही कहूँगा कि आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से एग्जाम्स को अटेम्प्ट करिएगा, और जो भी एग्जाम्स का पेपर हो उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपका एग्जाम्स रहा। एग्जाम्स हॉल से निकलने के बाद हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट में मैंने आपको करीब 7 से 8 टॉपिक अच्छे तरीके से कराया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम मिले तो फ्रेंड्स, आप उस टॉपिक को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम्स हॉल में एक बार कन्फ्यूजन्स ना हो, क्लियर हो, ठीक है। जरूर वहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस ज़्यादा लंबा नहीं करते, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। एक बार फिर से कहूँगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स अच्छे तरीके से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।